आईपीएल सीजन 12 के 45वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 160 रन बनाए थे। हैदराबाद की तरफ से डेविड वार्नर ने एक चौके की मदद से 32 रन बनाए, तो वहीं मनीष पांडे ने एक बार फिर शानदार पारी खेलते हुए 9 चौकों की मदद से 61 रन की पारी खेली। तो वहीं आखिर में आए राशिद खान ने 8 गेंदों का सामना करते हुए एक चौका और एक छक्के की मदद से शानदार 17 रन बनाए और अपनी टीम सनराइजर्स हैदराबाद को 160 रनों के लक्ष्य तक पहुंचा दिया। आपको बता दें कि इस मैच में यूसुफ पठान को बाहर बिठाया गया था, उनकी जगह पर रिद्धिमान शाह को मौका दिया गया था, जबकि यूसुफ पठान एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। जवाब में 161 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 20वें ओवर में 161 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया। राजस्थान की तरफ से अजिंक्य रहाणे ने 4 चौके और एक छक्के की मदद से शानदार 39 रन बनाए, तो वहीं लिविंग स्टोन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से शानदार 44 रन बनाए। वहीं दूसरे नंबर पर आए संजू सैमसन ने 4 चौके और एक छक्के की मदद से ज़बरदस्त 48 रन बनाए और राजस्थान रॉयल्स ने अपनी ज़बरदस्त बल्लेबाजी के चलते इस मैच को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ साथ राजस्थान रॉयल्स 10 अंकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। आपके मुताबिक क्या राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में जगह बना पाएगी और क्या सनराइजर्स हैदराबाद को यूसुफ पठान को ही मौका देना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। ज़्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।